हेलो गाइज, नमस्ते सब जनन के स्वागत बा एक और नया ब्लॉग वीडियो में। आज मैं थोड़ा बिरामी बाटू कहे से कि डॉक्टरों बतैला तोर हड्डी कमजोर हो गया, चाउमिन ना खाइस कहल बा, लेकिन दिल है कि मानता नहीं का ही बताऊँ। अब मैं शक्कर ही से आराम करत करत मोर थकाई लग गया, लेकिन अब थकाई दूर करे के लिए मुहिन फिर से आराम करे पड़ी। अब मोर उठे के मन नहीं लागे, लेकिन मैं जैसे तैसे करके उठ गिलूँ। आगे हेलू तो देख लूँ कि मोर एक भैया के एग्जाम चलता हुआ ना, तो ध्यान बा पढ़ाई में, लेकिन खुद पड़ल पर रजाई में मैं हुई मोटिवेशन दे लगलूँ और कहलूँ कि पढ़ले लिखले को उन्हें काम खेतो जोतले ढाने ढान। मोरे की बात सुन के मोर एक भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ के चाह के चुस्की लेह लागल। भैया चाहते ऐसे पिया था मानो चुस्की लहते लहते पाछे से ठुस्की निकल जाये। अब मैं अपन कोठम बैठल बैठल बोर हो गिल हूँ, एक नाते अपन छुटकू वाला गिटार बुलाए लगलूँ, जौन की मुहिन ढंग नहीं बा। अपन छुटकू वाला गिटार बुलाए बुलाए मोर एक बहुत कमजोरी महसूस हो लगल हूँ, एक नाते मैं पेट्रोल पिए लगलूँ। सुनले हूँ कि पेट्रोल के कारण बड़ा बड़ा इंजन फिर बड़ा फास्ट फास्ट चले लगत, लेकिन मुहिन ते पीले के बाद सस्ता नशा हो लगल। अब मैं पेट्रोल पी के फुल तल्ली होल परल हूँ, तैसे अचानक से मोर बुडू बताए लगल कि खेतों में एक थ्रू खोक डरे ई तक बीचों बीच खजाना छुपाला। मैं खजाना सुनते बिलन तुरंत के तुरंत वहाँ से निकल पड़लूँ। हमन के गांव के एक ठो खासियत बावे शायद तुहे नहीं जानल हो, बटे मैं बता दूँ कि हमन गांव में दिन निकलते बिलम बिहान हो जाता और दिन डूबते बिलम रात। अबे साले, अब मैं जैसे खजाना वाला लोकेशन पे पुगलू, मैं देखलू कि मोर पापा मोहिन से एक कदम आगे बावे। वो पहले पुग के खुदाई शुरू कर ढल बा ताकि जल्दी खजाना मिल जावे। एक नाते मैं फिर लगे हाथ ईटा हटाए लगलू। माटी खोद के पप्पा मोर कुआ कैले बा, तब फिर हमारे खजाना नहीं मिलल। एक नाते मोर एक माथा खराब हो गिल, मोर एक खोपड़ा फट न जावे सोच के मैं रिसिक मारे घरे चल गिलू। अब मैं अपन घरे पुगती बिलम देखलू कि दू तीन ठू लड़का मिल के हमन के घर हाईजैक कैल हलतन। मैं उन रेन एक एक झापर मार दूँ और भगा दिलूँ वहाँ से, लेकिन वहाँ के एक ठो छुटकू लड़का बहुत ढीठ रहे हुए, एक नाते मैं ओकर खाना छीन ले लूँ। कौन है ये लोग? अब मैं घर आई थी बिलम हेलू तो देख लू कि मोर बुडू भात खाए थे। मैं बुडू से कहलू कि हमरे खजाना नहीं मिला। मोर बुडू हंस के कहल कि तोरे सबके सब लाल छिया बाटो, मैं तो सिर्फ ईटा नहीं करवा के मारे मजाक कल हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? अब बुडू कैसे घटिया मजाक सुन के मोर एक बड़ा रिस लागिल। मैं रिसिक मारे एक थरिया भात लेके बैठ गिल और बड़ी जोर जोर से घींचे लगलूँ। भात घींचले के बाद फिर मोर एक रिस शांत नहीं होले हुए, एक नाते मैं रिसिक मारे दवाई खा ले लूँ और तुरंत के तुरंत सुट गिलूँ। कहे से कि वो दवाई नींद के गोली रहे। अब अचानक से बड़ा तेज तेज हवा चले लागल, मैं तुरंत उठ के बैठ गिलूँ और हेरे लगलूँ कि का हुई था भरे। हेर लूटे देख लूँ कि बड़ा जोर से बादल लग गिला, मानो पे पानी परसती। तैसे मोर बहनी एग्जाम दे के आए गिलो, कर सकल देख के पता चलते कि कितना कम लिखले हुई। बेचारी बड़ा उदास दिखाई थे, एक नाते मैं उन्हें खुश करा के लिए अपन भीतर पल शक्ति रखा लगलू। तैसे मोर संगरिया कॉल कल और कहता कि चल तोड़ लिया हेडफोन किना दूँ। मैं तुरंत सर सफर के रेडी हो गलो और अपन साइकिल लेके निकल पड़लू गुरसिंगिया। मैं अपन जेब में 2000 रुपये ढह के निकल पड़लू अपन घर से। आगे हेलू तो देख लू कि रहो में सन्नाटा छाइल है। मोहिन डर लगे लागल कि मोर एक 2000 रुपया पे के डाका ना डाल देवे। डर के मारे मैं साइकिल बड़ा फास्ट चलाए लगलू। अब मैं सिर्फ 2 पैदल मार लू और अपन संगरिया घर पुग लू, कहे से कि साइकिल में 3 पैदल नहीं रहत। बात तो सही है। अब मैं अपन संगरिया घर आटे गिलू, लेकिन मोर संगरिया के फिर दिखाई नहीं रहे। अब एक दिन के बाद मोर संगरिया आ गिल और हमारे इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे आ गिली हेडफोन किने। मैं आयल तू वाला संगरिया संगे, एक नाम होबे रोहित। मोहिन जब फिर कुछ सामान किने रहते मैं एकरे संगे आए तो कहे से कि ई बहुत मस्त से बार्गेनिंग करे जानत। यू वेर चालाक ब्रो। अब हमरे दोनों जन मिलके हेडफोन रोजे लगली। 1 घंटा रोजले के बाद मुहिन फाइनली ई वाला हेडफोन मन पर गिल। अब एकर प्राइस दुकान वाला मने 1800 बतायल। 1800 सुन के मोरिक संगरिया सबसे कॉमन डायलॉग मारल और कहल कि 1600 मन देख खोज देवनी हमरे दूसरा दुकान पे जाती। दुकान वाला मने तुरंत के तुरंत मान गिल। अब मैं दुकान वाला मनैया के 2 ठो नोट दिलूँ। 2 ठो बदला मोहन दुकान वाला मनैया 4 ठो नोट दिहल। मैं ते बड़ा खुश हो गलूँ, खुशी के मारे मैं बाजार की ओर चल गलूँ। अब मैं बाजार में आते बिलम चाउमिन खाए लगलूँ। चाउमिन खेले के बाद मोहन याद आयल कि डॉक्टर और मोहन चाउमिन खाए से मना ही कर ले, एक मतलब मोरिक पूरा दवाई बर्बाद हो गिल। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब मैं चाउमिन खा के हाथ में चाउमिन के थैली लेके जल्दी जल्दी से घरे चले गए, कहे से कि मोर एक 2 ठो लड़का इंतजार करता हन, मतलब मोर भाई बहनी। अब मैं दोनों लड़कन संगे खेले निकल गिलो। मोर एक उम्र तो 20 पुगिला, लेकिन अभी दिल तो बच्चा है ना जी। वह नाटे मैं बचपन वाला हरकत करता हूँ, कहे से कि मैच्योर वाला हरकत करके कौन सा हमारे नेशनल अवार्ड मिल जाये। ये बड़ी अच्छी बात है। अब हमारे तीनों लड़के खेतों में खेले जाए लगली। खेतों में खेले जाए से पहले मैं खिलौना परे वाला खाना किन लू, कहे से कि मोहिन खिलौना बहुत मन पड़त। मोर मन्ना आईफोन कंपनी घड़ी पर ही है वाला। हाँ मतलब ज्यादा बचपन हरकत करतु मैं। अब हमारे खाना खाट खाट खेतों में पुगिले। खेतों में पुगते बिलम देख लू कि एक जन मोबाइल चला ढारते है। मैं तुरंत ओकर लग गयलू और कहलू मोर चैनल सब्सक्राइब करते रे। नहीं अपन ने गाँव मैंने सब्सक्राइब करते रहे, कैसे मने बाटो रे। अब बे सब्सक्राइब कर, अब बे कर। कोई तरीका है भीख मांगने का? सब्सक्राइब सब्सक्राइब अमृत थारू, सब्सक्राइब बेल आइकन दबा।
गाइस तोरे फिन सब्सक्राइब करो, तोरे ना सारे बहुत हरामी बातों वीडियो हेरथो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करथो। यहाँ देख सकते हो कितना ढेर मने सब्सक्राइब करथन, कितना ढेर मने सब्सक्राइब नहीं करथन। 25% जम्मा सब्सक्राइब करथन यार, बहुत ही शर्म के बात हो भगवान कसम से। अब दोनों लड़का एक दूसरे के ऊपर छटक छटक के पिकनिक चौचो खेले लगलन। ले हम उठे रह जाए, वो बढ़बे नहीं करी, अब भारी नहीं हो ले माने कठन नहीं दे बोटे भारी नहीं हुई ठन कहूँ खाओ माँ कसम। ते बस यार ये ब्लॉग में इतने रही, लेकिन के खेल दन खेले डोन रेन। तोरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कल हो बोटे सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक करे ना भूलाए अगर वीडियो मन पड़ी ते। धन्यवाद। मुंडा चढ़ा ना।